so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट फ्लिप का ट्यूटोरियल बताऊंगा। आज मैं आपको आसान 5 तरीकों में फ्रंट फ्लिप करनी सिखाऊंगा। तो फ्रंट फ्लिप में से पहले मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरा दोस्त है, इसने अपना नया नया चैनल बना रहा है अभी, तो आज ये अपनी फर्स्ट वीडियो चैनल पर पोस्ट करेगा। तो आप इसके चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग इसकी भी वीडियो देखना। और तो इसके अलावा यहाँ पर बारिश हुई थी कल, तो बारिश में सारा आप देखते हैं पार्क का क्या हाल है, क्या हिसाब है, सब हम देखते हैं जाके। तो इस बंदे को देखो ज़रा, ये अपना पहला व्लॉग बना रहा है। हेलो, तो इसकी वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, मेरे चैनल को भी और इसके चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो मैं इंशाल्लाह मिलूँगा आपको आगे। तो आप आगे पहले थोड़ा सा देखते हैं पार्क में क्या हिसाब है, फिर वहाँ ट्यूटोरियल अपना शुरू करेंगे। तो ये देखो मैंने तो हो रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रंट फ्लिप बहुत इजी फ्लिप है। फ्रंट फ्लिप को 5 स्टेप में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले स्टेप में आपने करना फ्रंट रोल। फ्रंट रोल कैसे करना है, आपने पहले ज़मीन पे बैठ जाना है, उसके बाद दोनों हाथों को ज़मीन पे लगाना है और आपने रोल अपनी गर्दन पे करना है। जो गर्दन है आपने वो लगानी है, ये चीज़ नहीं है आपने सीने के साथ बिल्कुल लगा लेनी है, सर नहीं आपने ज़मीन पे लगाना, गर्दन आपने ज़मीन पे लगानी है। जैसे मैं वीडियो में गा रहा हूँ इस तरह आपने गर्दन ज़मीन पे लगा के और कमर पे रोल करना है। रोल करने के बाद आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि जब आप रोल करो तो आप अपने घोड़ों को टक कर दो, बॉडी को। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जितनी छोटी होगी उतनी स्पीड में आपका रोल होगा। रोल करने के बाद जब आप घोड़ों को टक कर लोगे, उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपका रोल जितना फास्ट हो सके आपने अपना रोल क्लियर करना है। और जितना ज़्यादा आप रोल करोगे आपको फ्रंट फ्लिप उतनी ही ज़्यादा आसान पड़ेगी। तो पहले स्टेप में आपने सिर्फ फ्रंट रोल अपना क्लियर करना है। फ्रंट रोल क्लियर होगा तो फ्रंट फ्लिप बिल्कुल ईजी हो जाएगी। अपनी जंप क्लियर करनी है। जंप कैसे करनी है, आपने बिल्कुल सीधे खड़े होना है और जंप ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जंप करनी है। हाथों को आपने फुल पावर के साथ हाथों को मारना है आपने ऊपर। हाथों को ऊपर मारने के बाद आपने अपने घोड़ों को टक करना है, ये चीज़। इसको टांगों को यूं नहीं करना आपने, ये चीज़ नहीं करनी। इससे आपने ध्यान रखना है कि आपने ये चीज़ करनी है, यानी अपने घोड़ों को सीने पर लगाना है। ये चीज़ की आपकी फ्लिप उतनी ही हाइट पर जाएगी, तो आपने इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस। स्टेप नंबर 3 में आपने डाइव रोल करना है। डाइव रोल का कैसे करना है, जैसे आपने फ्रंट रोल किया था, ये फ्रंट रोल जिस तरह मैंने भी किया, ये चीज़ आपने की थी, इसी को बस थोड़ा सा जंप देगी यानी हाइट पे करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, फ्रंट रोल की पोजीशन में आपने आना है और जंप देगी आगे को अपनी बॉडी को फेंकना है, यानी बॉडी आपकी रोल ही करेगी लेकिन पहले आपके हाथ लगेंगे जंप देने के बाद, और फिर उसके बाद आप आगे रोल करोगे। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता रनिंग के साथ करना है, रनिंग करनी है, जंप देना है और रोल करना है हाइट थोड़ी नीचे रख के। रोल करने के बाद कोशिश करना है कि आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी हाइट को बढ़ाते जाना है, यानी पहले आप इतनी हाइट पे कर रहे हो, फिर आपने इतनी हाइट कर देनी है, फिर इतनी, यानी आहिस्ता आहिस्ता ना इस तरह करते जाना है। रनिंग करनी है और अपनी कोशिश करनी है कि जंप करके जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकना है, आगे को नहीं ऊपर को फेंक के फिर आगे को बॉडी फेंकनी है। यानी जिस तरह पानी में आप लोग मछली लगाते हो ना, सेम वही चीज़ आपने करनी है पर ज़मीन पे। भाग के आना, रनिंग करनी है, बॉडी को ऊपर उठाना है, आगे की तरफ फेंकना है, हाथ लगाने के बाद फिर आपने रोल करना है, डाइव रोल आपने करना है। इसकी आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आपका डाइव रोल क्लियर हो गया तो फ्रंट फ्लिप आपको समझ लेना 50% फ्रंट फ्लिप आपको आगे होगी, क्योंकि डाइव रोल के आगे ही आप फ्रंट फ्लिप करोगे। तो आपने अपना डाइव रोल सबसे ज़्यादा क्लियर करना है। इसमें आपकी जितनी ज़्यादा हाइट जाएगी और जितनी ज़्यादा आपकी अच्छा रोल होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी फ्रंट फ्लिप होगी। जब आपका डाइव रोल क्लियर हो जाएगा
उसके बाद आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि फ्रंट फ्लिप और रशियन फ्रंट फ्लिप, इन दोनों में फ़र्क होता है। जो फ्रंट फ्लिप होती है ना वो उसमें हाथ आगे की तरफ होते हैं, और जो रशियन होती है ना उसमें हाथ यूँ पीछे से फ्रंट फ्लिप होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रशियन फ्रंट फ्लिप करनी सिखाऊंगा, फ्रंट फ्लिप नहीं मैं आपको बता रहा। रशियन फ्रंट मैं आपको दोनों बता देता हूँ, फ्रंट फ्लिप और रशियन फ्रंट फ्लिप दोनों में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि फ्रंट फ्लिप में हाथ आगे से आते हैं और रशियन में हाथ पीछे से आते हैं। दोनों का तरीका सेम है, दोनों फ्रंट फ्लिप करने का तरीका एक ही है। बस आपने क्या करना है, अगर आप फ्रंट फ्लिप आप कर रहे हो तो आपने रनिंग करनी है, हाथों को आगे से रख के आपने फ्लिप करनी है, और अगर आप रशियन फ्रंट कर रहे हो तो हाथों को पीछे से रख के आपने करना है। मैं आपको दोनों फ्रंट फ्लिप आपको मैं करके दिखाऊंगा। दोनों का तरीका सेम है, पहले आपने रोल करना है, फिर आपने जंप क्लियर करनी है, उसके बाद आपने डाइव रोल करना है। सिर्फ फ़र्क है डाइव रोल का, जो फ्रंट फ्लिप है उसका डाइव रोल रनिंग करके हाथ आगे की तरफ रख के करना है, जिस तरह अभी वीडियो में आपने देखा है। और जो रशियन है उसमें आपने उल्टा करना है, पहले क्या करना है, रनिंग करनी है, जब आप जंप लेने लगे हो ना, यानी आप यहाँ से फ्लिप अटैम्प्ट करने लगे हो, तो ये जो आपकी जंप होगी इसमें एक दफ़ा आपका हाथ यूँ घूम के ये पाँव लगेंगे, साथ आपका हाथ ये पीछे जाएगा, यानी रनिंग करते हुए आना है, जंप लेते से पहले आपके एक हाथ घूमेंगे, ये पाँव नीचे लगे, यहाँ से ये हाथ आपने पीछे की तरफ, ये चीज़ फिर से देखो, ये चीज़, मदीन भाई लगता है चोट लगी है, बच गए हैं? कुछ नहीं हुआ, बस ये पैंट गंदी हो गई है मेरी थोड़ी सी। अच्छा, घास पे ना बूट पहन के फ्लिप वगैरह करो ना, मेरे से हाइट नहीं निकलती, तो इस वजह से मैं घास पे नंगे पाँव करता हूँ। तो बस ये फ़र्क है फ्रंट फ्लिप और रशियन फ्रंट फ्लिप में। तो आपने अगर रशियन फ्रंट फ्लिप करनी है तो आपको हाथों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर आपने सिंपल फ्रंट फ्लिप करनी है तो उसमें आपको अपना डाइव रोल ज़्यादा क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपने स्टेप फोर करना है। नंबर फोर में आपने पूरी फ्रंट फ्लिप अटैम्प्ट करनी है, जैसे जैसे मैंने आपको पहले तीन स्टेप बताए हैं उसको अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप नंबर फोर आपको बहुत ईजी पड़ेगा। सांस बहुत चला हुआ है। अच्छा, आपने क्या करना है, सबसे पहले रोल क्लियर किया, फिर अपने जंप क्लियर की, फिर डाइव रोल क्लियर किया। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये चौथे स्टेप पर आके, अक्सर लोग डर जाते हैं, जैसे कि ये बात नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं डरता, ये आपने झूठ बोला है गाइस, तो मुझे इस गेम का शौक नहीं है, भाई ने सही बात बताई है, पर मैं कर भी लेता हूँ, इनसे मैंने कुछ सीखा भी है, इनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो इस स्टेप को यानी आपने ये तीन स्टेप क्लियर करने हैं, और चौथे स्टेप को ध्यान से मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपने डरना नहीं है, क्योंकि इसी स्टेप पर आके बहुत ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, हिम्मत आ देते हैं, तो यहाँ पे यही मौका आपके पास होता है इसको करने का। अगर आपने ये स्टेप क्लियर कर लिया तो समझ लो आपकी फ़्लिप हो गई है, क्योंकि इस स्टेप में आपने क्या करना है, आपने पूरी फ्लिप अटैम्प्ट करनी है, जैसे मैंने किया रनिंग की, डाइव रोल किया, जंप डाइव रोल की ही लेनी है, लेकिन आपने क्या करना है, अब अपने हाथ जमीन पर लगाने, आपने अपने हाथों को ज़ोर से अंदर को मार के गर्दन में हाथ मारनी है, और अपने घोड़ों को पकड़ लेना है, यानी अपनी बॉडी को टक कर देना है, इससे क्या होगा आपकी बॉडी घूम जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, जैसे मैं अभी आया हूँ ये आप देख सकते हो, इस तरह मैं गिरा हूँ, बस ये होगा और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यही चीज़ आपकी है, आपके ऊपर है, आप अगर आप डरोगे तो नहीं कर सकोगे, लेकिन अगर आप एक दफ़ा डर को साइड पर रख के अटैम्प्ट कर दोगे ना तो यकीन करो आप गिरोगे नहीं, इस बात की गारंटी मेरी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जैसे मैं लैंडिंग मेरी आई है ये चीज़ होगी, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप करते जाओगे आपका डर भी उतरता जाएगा और आपकी टांगों में भी पावर आती जाएगी, तो आपकी लैंडिंग सही हो जाएगी। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैंने फ्रंट फ्लिप सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने मुझे लगे थे, और मेरा दोस्त है उसने 3 दिन में सीखी थी, क्यों, क्योंकि वो उसमें डर नहीं था और मैं डरता रहता था, इस वजह से मुझे इतना टाइम लग गया, और मेरी फ्रंट फ्लिप अभी भी ठीक नहीं है, बल्कि मेरी रशियन फ्रंट फ्लिप जो है ना वो बहुत ईजी है, मुझे फ्रंट फ्लिप मेरी भी ठीक नहीं है। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये फ्रंट फ्लिप का है, और अब मैं आपको रशियन का बताता हूँ कि रशियन में और इसमें क्या फ़र्क है। तो बस आप फिर से मेरी एक दफ़ा बात याद रखना कि डरना नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं डरना, ईजी हो गया, बिल्कुल ईजीली फ्लिप अटैम्प्ट करो, इंशाल्लाह हो जाएगी, प्रैक्टिस करते रहना, थोड़ा टाइम लगेगा, 10 दिन लगेंगे आपको फ्लिप आ जाएगी, और जब आपकी लैंडिंग आएगी ना यकीन करो उस टाइम जो आपको खुशी होगी ना आप अपनी सारी दर्द भूल जाओगे। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है,
अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह हो जाएगी। और अब मैं आपको रशियन का तरीका बताता हूँ, मैं आपको रशियन फ्रंट फ्लिप करके दिखाता हूँ। ये था रशियन फ्रंट फ्लिप। बस दोनों में फ़र्क इतना है कि जो फ्रंट फ्लिप है उसमें हाथ क्यों जाते हैं, लेकिन रशियन में बैक साइड पे जाते हैं। आप एक दफ़ा ये फिर देखना बैक के व्यू से, हाथों को देखना। बस ये फ़र्क है दोनों में, फ्रंट फ्लिप में और रशियन फ्रंट फ्लिप में। ये चीज़ जानना है और ये हाथों को झटका देना है, ये जोर से जितनी पावर से आप झटका दोगे उतनी ही ज़्यादा स्पीड में आपकी बॉडी घूमेगी। और इसमें क्या होता है, इसमें आप टाक ऊपर से भी कर सकते हो, नीचे से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो बस ये फ़र्क है फ्रंट फ्लिप में और रशियन फ्रंट फ्लिप में। तो आपने देखा ही होगा मेरी रशियन फ्रंट फ्लिप ज़्यादा अच्छी है फ्रंट फ्लिप से। और मेरे जो ज़्यादातर सेट है ना, यानी जो मैं टॉमरिक सेट करता हूँ ना, फ्रंट से आगे जितनी भी मैं फ्लिपें करता हूँ ना, वो मैं रशियन फ्रंट से ही करता हूँ, क्योंकि मुझे सिंपल फ्रंट की ना आदत नहीं है, वो बहुत कम मैंने किया है। तो मेरी साफ मिसाल आपके सामने है, मैंने रशियन फ्रंट फ्लिप की ज़्यादा प्रैक्टिस की और अब खाली फ्रंट फ्लिप की प्रैक्टिस मैंने नहीं की। तो वो आप देख सकते हो मेरी किस तरह की है, और ये आप देख सकते हो मेरी किस तरह की है। तो अब आपको मैंने दोनों का तरीका बता दिया है, आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको रशियन फ्रंट फ्लिप में कोई भी प्रॉब्लम हो या फ्रंट फ्लिप में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। और जहां तक मुझे पता ना, आपको रशियन फ्रंट फ्लिप में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी सिर्फ ये हाथों में, ठीक है। आप बस अपने हाथों की मूवमेंट सही कर लेना, आपकी रशियन फ्रंट फ्लिप हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहना, और प्रैक्टिस घास पर करना, ऐसी जगह पर ना करना। गिरोगे ना तो फिर चोट लग जाएगी, घास पर अगर गिरोगे तो चोट आपको कम लगेगी या लगेगी नहीं, दर्द नहीं होगी। तो प्रैक्टिस ध्यान से करना, चोट नहीं लगवानी, ठीक है। और कमेंट में मुझे लाजमी बताना कि आपको मेरा ट्यूटोरियल कैसा लगा। और ये मेरे भाई का, इसके चैनल को भी लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उसकी भी वीडियो देखना। और इसने नया चैनल बनाया है, इसको लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, जिस तरह मुझे सपोर्ट कर रहे हो इस तरह इसके चैनल को भी आपने सपोर्ट करना है, ठीक है ना। ये थी मेरी आज की वीडियो, बहुत ये मेरा किया है, बहुत मज़ा आया आज की वीडियो में। ये मेरा ट्यूटोरियल था फ्रंट फ्लिप का और रशियन फ्रंट फ्लिप का। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और मुझे कमेंट में बताना है कि कैसा लगा आपको मेरा ये ट्यूटोरियल। और अगर कुछ भी समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बता देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इसके चैनल को भी आपने देखना है, और वीडियो को लाइक कर देना। अगर कुछ भी समझ ना आई हो तो फिर आप, मैं कह रहा हूँ आप बता देना मुझे, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह उससे अगली वीडियो में आपको वो बिल्कुल क्लियर करके बता दूँ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले संडे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। वीडियो हमारी बन चुकी है अब, तो इसकी भी वीडियो पूरी बन गई है, बहुत मज़ा आया। वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, ठीक है। तो हमारी इसकी फर्स्ट वीडियो थी, पहली तो आपने लाजमी बताना है वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है ना। तो अब हम घर जा रहे हैं, घर जाके खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद एडिटिंग करेंगे, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।